जमीन से गाजर उखाड़ रहा होता है और तभी वहां पर जादूगर अपनी कैट के साथ आ जाता है। उस मफ को देख लेता है और अब उस मफ को पकड़ना चाहता है, इसीलिए अपनी कैट के साथ उसका पीछा करना शुरू कर देता है। इस मफ अपनी जान बचाने के लिए भागता है और भागते भागते वो उस जादुई दरवाजे तक आ जाता है जहां से वो अपनी दुनिया में वापस जा सकता है। और जब वो उस दरवाजे के अंदर एंटर करता है तो जादूगर भी उसे देख लेता है, जिसके बाद सबसे पहले वो अपनी कैट को अंदर फेंकता है और अब वो खुद भी अंदर आ चुका है जहां पर बहुत सारे स्मर्फ्स हैं। सभी स्मर्फ्स जादूगर को देखकर डर जाते हैं। यहां पर वो बूढ़ा स्मर्फ भी होता है जिसने भविष्य देख लिया था, इसीलिए उसने इसकी तैयारी कर रखी थी। वो एक बहुत बड़ी लकड़ी से जादूगर के ऊपर हमला करता है जिससे वो गिर जाता है। अब यहाँ पर सभी स्मर्फ्स को भागने का रास्ता मिल चुका है, सबके सब भागने लगते हैं, लेकिन यहाँ पर टाइनी एक बार फिर से गलती करता है। वो उस रास्ते चला जाता है जिस रास्ते जाना मना था। उसके कुछ दोस्त उसे उस गलत रास्ते की तरफ जाते हुए देख लेते हैं, इसीलिए वो उसके पीछे जाते हैं। टाइनी जब भाग रहा होता है तो आगे चट्टान होती है और वो चट्टान से स्लिप हो जाता है, पर इससे पहले कि वो नीचे गिरता उसके दोस्त उसे पकड़ लेते हैं। सामने एक बहुत बड़ा झरना होता है, इस झरने में अपने आप ही एक सर्कल बनना शुरू हो जाता है जो इन सबको अपनी तरफ खींचने लगता है। और अगले पल ये सब के सब उस होल में जो इंसानों की दुनिया का दरवाजा था उसके अंदर एंटर कर जाते हैं और अब ये सब के सब इंसानों की दुनिया में पहुंच चुके हैं। जादूगर जब देखता है कि वो सब के सब इंसानों की दुनिया में चले गए हैं तो वो भी इंसानों की दुनिया में अपनी कैट के साथ आ जाता है। अब जादूगर की कैट इंसानों की दुनिया में स्मोक के ऊपर हमला कर देती है। सबके सब अपनी जान बचाने के लिए पेड़ के ऊपर चढ़ जाते हैं, पर टाइनी अब भी जमीन पर ही होता है। और जब कैट उसका पीछा करती है तो एक बेंच के ऊपर जाता है जहां गलती से वो एक बॉक्स के अंदर गिर जाता है। ये बॉक्स एक आदमी का होता है। जब वो उस बॉक्स को उठाता है तो देखता है कि उसके सामने एक बिल्ली है जो बॉक्स को छेड़ने की कोशिश कर रही है, लेकिन उसे नहीं पता कि उसके बॉक्स के अंदर स्मर्फ है। वो बॉक्स को टैक्सी में रखता है और जब वहां से निकल रहा होता है तो पांचों के पांचों स्मर्फ जिन्होंने देख लिया था कि टाइनी उस बॉक्स के अंदर है वो टैक्सी के ऊपर कूद जाते हैं। पीछे हमें जादूगर भी दिखाया जाता है जो टैक्सी का पीछा कर रहा होता है और टैक्सी अचानक से रुक जाती है जिस वजह से जादूगर टैक्सी से टकरा कर वहीं पर गिर जाता है और टैक्सी इसके बाद वहां से निकल जाती है। अब वो आदमी उस बॉक्स को लेकर अपने घर पर जाता है और जब टाइनी बॉक्स से निकलता है तो उनके घर का डॉग उसका पीछा करना शुरू कर देता है। टाइनी अपनी जान बचाने के लिए छुप जाता है, पर वो ज्यादा देर तक छुप नहीं पाता। उस आदमी की जो आदमी बॉक्स में यहाँ पर टाइनी को लेकर आया, उसकी वाइफ टाइनी को देख लेती है। शुरू में तो उससे डर जाती है, पर जब टाइनी उससे बात करता है तो उसे अच्छा लगता है और टाइनी और उस लेडी की दोस्ती हो जाती है। इसके बाद बाकी स्मर्फ्स भी इनके सामने आ जाते हैं। अब वो आदमी और उसकी वाइफ इन सबसे दोस्ती कर लेते हैं। यहाँ पर इनके साथ बूढ़ा स्मर्फ भी होता है जो इस घर के ओनर जैक और उसकी पत्नी को बताता है कि हम अपनी दुनिया में वापस जाना चाहते हैं, लेकिन जब तक ब्लू मून नहीं होगा हम अपनी दुनिया में वापस नहीं जा सकते, क्योंकि ब्लू मून की रात को ही हमारी दुनिया का दरवाजा खुलता है। वही हमें जादूगर को दिखाया जाता है जिसकी कैट के मुंह में एक स्मर्फ लड़की के बाल आ गए थे और अब वो जादूगर उससे जादू करना शुरू करता है, जिसके बाद वो उन बालों से खास तरह का लिक्विड बनाता है और उस लिक्विड को अपनी रिंग पर डालता है, यानी कि उस लिक्विड की शक्ति अब उसकी रिंग में है। वहीं जैक और उसकी पत्नी को दिखाया जाता है जो अपने काम पर जाने से पहले सभी स्मर्फ्स को कहते हैं कि तुम घर से बाहर मत निकलना, बाहर की दुनिया बहुत खतरनाक है, तुम वहां पर सुरक्षित नहीं रह सकते, और ये कहकर वो घर से निकल जाते हैं। लेकिन यहां पर जो बूढ़ा स्मर्फ है उसे एक दूरबीन की जरूरत है, इसीलिए अपने सभी साथियों के साथ घर से निकलकर जैक की टैक्सी के ऊपर बैठकर उसका पीछा करने लगते हैं। जैक उन सबको देख लेता है और अपनी कोट की जेब में छुपा लेता है। इसके बाद वो सभी स्मर्फ्स को अपने ऑफिस लाता है जहां पर जैक काम करने की तो कोशिश कर रहा है, लेकिन स्मर्फ इतनी शैतानी करते हैं कि वो काम पर कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाता। जैक अपनी पत्नी को कॉल करता है, जिसके बाद उसकी पत्नी सभी स्मर्फ्स को अपने साथ ले जाती है और जब वो टैक्सी से घर की तरफ जा रही होती है तभी टाइनी देखता है कि वहां पर एक पोस्टर है जिसमें दूरबीन है। उसे लगता है कि वो दूरबीन ये सब ले सकते हैं, इस वजह से 6 के 6 स्मर्फ्स टैक्सी से कूदकर उस पोस्टर की तरफ भागने लगते हैं। जैक की पत्नी उन्हें पकड़ने की कोशिश करती है लेकिन ये बहुत सारे हैं, इसीलिए जैक को कॉल करती है और कहती है कि तुम्हें जल्दी से यहाँ पर आना होगा। वहीं सभी स्मर्फ्स मॉल के अंदर पहुंच जाते हैं जहां पर बहुत मस्ती करते हैं, पर अब यहां पर जादूगर भी अपनी कैट के साथ पहुंच चुका है। जादूगर देखता है कि बाहर एक आदमी है जो वैक्यूम क्लीनर से सफाई कर रहा है। वो उसका वैक्यूम क्लीनर लेकर अंदर आ जाता है और उस वैक्यूम क्लीनर की मदद से एक एक करके वो सभी स्मर्फ को उसके अंदर खींचना शुरू कर देता है, पर गलती से वो अपनी कैट को भी अंदर खींच लेता है जिससे उसकी कैट उस पाइप में फंस जाती है। अब यहां पर जैक भी आ जाता है जो देख लेता है कि जादूगर के हाथ में जो वैक्यूम क्लीनर है उसमें एक कैट फंस गई है, इसीलिए वो उसके ब्लोअर का यानी कि उल्टा बटन दबा देता है जिससे अंदर जितनी भी एयर होती है वो सब की सब बाहर निकल जाती है। जादूगर की कैट के साथ साथ सभी स्मर्फ भी अब बाहर निकल चुके हैं। जादूगर एयर प्रेशर से दूर जाकर गिरता है। इसके बाद वहां पर पुलिस आ जाती है जो जादूगर को पकड़ लेती है क्योंकि उसने इस वैक्यूम क्लीनर को यहां पर एक वर्कर से छीना होता है, साथ ही वो यहां पर सबको परेशान भी कर रहा होता है। और अब जैक सबको वापस अपने घर ले आता है, तभी उसे एक मेल आता है जिसमें उसे बताया जाता है कि उसे पूरे शहर के लिए एक एड को डिसाइड करना है। दरअसल वो एक एड कंपनी में काम करता है। जैक इस बात से बहुत खुश हो जाता है, पर टाइनी गलती से उसके कीबोर्ड के ऊपर जा गिरता है जिस वजह से वो गलत बटन दबा देता है। एड के लिए ब्लू मून की पिक्चर सेलेक्ट हो जाती है जो पूरे के पूरे शहर में विजिबल हो जाती है। वही हमें जादूगर को दिखाया जाता है जो जेल में होता है, पर वो अपने जादू से मच्छरों की मदद से जेल से निकल जाता है। वहीं टाइनी की गलती की वजह से जैक की जॉब चली जाती है, उसकी बॉस उसे जॉब से निकाल देती है। और जब इस सभी स्मर्फ्स को पता चलता है तो वो सब उससे माफी मांगते हैं, खासतौर पर टाइनी, लेकिन अब ये किसी भी तरह से जैक की मदद करना चाहते हैं। साथ ही इन्हें पता चल चुका है कि जल्दी ब्लू मून निकलने वाला है, लेकिन इन्हें अपनी दुनिया में जाने के लिए
लिए एक जादुई किताब की जरूरत है। ये टाइनी को घर पर छोड़कर उस किताब को लेने के लिए निकल पड़ते हैं। जादुई मंत्रों की उस किताब को लेने के लिए लाइब्रेरी में आए होते हैं, लेकिन यहाँ पर अब जादूगर भी पहुंच जाता है, जिसे वहां पर ड्रैगन स्टिक मिलती है और वो शक्ति जो उसने अपनी अंगूठी में डाली थी वो उस ड्रैगन स्टिक के अंदर डाल देता है, जिसके बाद वो स्टिक से सभी स्मर्फ्स को पकड़ने की कोशिश करता है। हालांकि सारे के सारे भाग जाते हैं, पर बूढ़ा स्मर्फ उसके सामने आ जाता है और वो उस जादुई स्टिक से उसे कैद कर लेता है। सभी स्मर्फ्स वापस घर पर आते हैं, जहां पर वो अपने साथी को बताते हैं कि हमारे बूढ़े स्मर्फ को पकड़ लिया गया है। जैक को जब ये पता चलता है तो जैक उसे बचाने के लिए निकल पड़ता है। वहीं हमें स्मर्फ्स की दुनिया में दिखाया जाता है, जहां पर एक स्मर्फ जादुई किताब से चांद को नीला कर देता है, यानी कि ब्लू मून कर देता है, जिस वजह से वहां से इंसानों की दुनिया का रास्ता खुल जाता है और अब सभी स्मर्फ्स इंसानों की दुनिया में आ जाते हैं ताकि वो अपने साथियों को वापस ला सकें। वो सब के सब उस जगह चले जाते हैं जहां पर जादूगर होता है। वो जादूगर के ऊपर हमला कर देते हैं, लेकिन जादूगर के पास ड्रैगन स्टिक है, जिससे वो उन सब के ऊपर हमला करता है। स्टिक की शक्ति के आगे सब कमजोर पड़ने लगते हैं। जैक भी यहां पर आ जाता है, लेकिन जादूगर अपनी ड्रैगन स्टिक से उस पर भी हमला करता है। जादूगर ने ड्रैगन स्टिक से एक तूफान पैदा कर दिया होता है, जिसमें सभी स्मर्फ्स उड़ रहे होते हैं, और तभी एक स्मर्फ बड़ी चालाकी से उड़ता हुआ आता है और उसकी स्टिक को उससे छीन लेता है, पर गलती से उससे स्टिक छूट जाती है। पर इससे पहले कि जादूगर अपनी स्टिक को दोबारा से हासिल करता, टाइनी बड़ी बहादुरी से जंप करके स्टिक को पकड़ लेता है और जादूगर की स्टिक से जादूगर के ऊपर हमला करता है, जिससे वो दूर जाकर गिरता है। और इस तरह से टाइनी की वजह से जादूगर हार जाता और सभी स्मर्फ्स जीत जाते हैं, जिसके बाद सब के सब स्मर्फ्स टाइनी के पास आते हैं और उसे उठा लेते हैं। टाइनी, जिसे सब के सब हमेशा बेकार समझते थे, आज उसने ऐसा काम किया है जिस वजह से सभी स्मर्फ्स की जान बच गई और अब ये अपनी दुनिया का रास्ता खोल कर एक ही करके सब अपनी दुनिया में वापस लौट जाते हैं। जैक और उसकी पत्नी को ये देखकर बहुत खुशी होती है कि सभी स्मर्फ्स अपनी दुनिया में लौट गए, पर टाइनी की वजह से उसकी जॉब चली गई होती है। अगले दिन उसे उसके ऑफिस से कॉल आता है, इसमें उसकी बॉस उसे बताती है कि जो ब्लू मून की फोटो तुमने ऐड में लगाई थी, उसकी वजह से हमारी कंपनी को बहुत फायदा हुआ, क्योंकि जिस दिन तुमने ब्लू मून की फोटो लगाई उसी रात को ब्लू मून आसमान में निकला, इसकी वजह से तुम्हारी जॉब तुम्हें वापस मिलती है, साथ ही तुम्हें प्रमोशन भी दिया जाएगा। और इस तरह से जैक, जिसने हमेशा स्मर्फ्स के साथ अच्छा किया था, अंत में उसके साथ भी अच्छा ही होता है। डर भला तो हो भला। इसी के साथ ये फिल्म, ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। उम्मीद करते हैं कि ये कहानी आपको पसंद आई।